अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खबर शाम करते हैं कसूर से। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। हबीबाबाद पत्तोकी में 2500 लीटर नाकिस दूध और 50 किलो मिल्क पाउडर को मौका पर तलब कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे महर बशारत सदीकी। जी महर बशारत सदीकी, बताइएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम का गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन। हबीबाबाद पत्तोकी में 2500 लीटर नाकस दूध और 50 किलो मिल्क पाउडर को मौके पर तलब कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की ने सुबह सवेरे नाका लगाकर गाड़ियों को रोका, दूध को मौके पर ही टेस्ट किया। गैर मयारी दूध सप्लाई करने वाली दो बरादर गाड़ियों में नाकस मुजरे से दूध और मिल्क पाउडर पाया गया। थाना सदर पत्तोकी में मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। दो अदद दूध ले जाने वाली गाड़ियों को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। गैर मयारी मुजरे से पाउडर, केमिकल और दीगर अजजा से मसनू तैयार करदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मिलावट जैसे गुनहों काम की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात मसरूफ अमल है। जी